सेक्रेटरी होंगी तो मैं इस इतवार को नोट कर लीजिए। जो बाकी बच्चे हैं मतलब से आप मिले हैं उनका रैंक C81 है। विषय आपका भी इतनी साहित्य था इनका भी नहीं। आप जो तीसरे नंबर पे है रजनीश पटेल, रजनीश पटेल का रैंक है 573। रजनीश पटेल ये है आपका विषय क्या था चलिए 500। इसके बाद है 751 पे पंकज राजपूत। ये पंकज ये बीच में छोड़ के भाग गया था ये से एग्जाम की मैं ये बी एड दूंगा फिर वापस आए तो सिलेक्ट होगा। तो आपका विषय क्या है आपके दो नहीं है और जो पाँच में हैं वो हैं हमारे पंकज सॉरी हिमांशु। हिमांशु का कम से कम तो तीसरा था एक बार बता। और आपका विषय क्या था जो बता तो इन पाँच में हमारे चार बच्चे हैं शायद दो और बाकी कल मैं आपको पूरे चौवन की कहानी सुनाऊंगा जो बच्चे रखे हुए हैं। और विवेक मुझे मेंटरशिप का पूरा प्रोजेक्ट है क्योंकि हिंदी माध्यम का रिजल्ट सुधरने के पीछे जो दो तीन कारण उनमें से दो दृष्टि की तरफ से एक है अस्मिता एक है मेंटरशिप। मेंटरशिप योजना हमारे तीन लोग पहले मैनेज करते थे सारा मेंटरशिप प्रोजेक्ट है और तीन में लंबे चौड़े दस पंद्रह लोगों के लिए मुख्यमंत्री उसको देख रहे हैं। और इस बार इनके लिए मामला खुद को साबित करने का भी था और बच्चों के लिए खुद को साबित करना था। मुझे हिंदी समाज को जवाब देना था कि हिंदी में हो सकता है तो मेरी तरफ से जवाब ये तैयार कर रहे थे इनकी तरफ से वो लोग तैयार कर रहे थे और फाइनली 54 हमने इस बार किया। और अगली बार के लिए आपके सामने मैंने पहले कहा 75 का वायदा है तो की कोशिश रहेगी ये अगले साल के लिए। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि आज मैं क्लास ना दूँ क्योंकि मुझे सुनिए 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 मुझे भी इन सब बच्चे से बात करनी है। बाकी बच्चे आएंगे विषय लेके तो अच्छा नहीं लगता कि मैं मिल ना पाऊँ। फिर मैं चाह रहा हूँ कि पूरे 54 का एक पूरा डिटेल्स लेके कल आपको बताऊंगी आपकी जिज्ञासा भी होगी। तो आज ये क्लास कल मिठाई भी मिलेगी आप लोगों को। कल का मेरा क्लास भी है आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे तो माइक दो आप लोग दोनों मिनट ही आपके सामने तो धन्यवाद रखेंगे उसके बाद समाप्त करेंगे ठीक है। अरे थैंक यू बोल दो। अरे दिव्या मैम आ गई हो मेरे सिलेक्शन में विवेक सर का पर्सनली विकास सर का मुझे लगता है कि वो बड़ा हाथ रहा है मेरी अपनी मेहनत के अलावा मतलब पर्सनल जो मुझे इनसे गाइडेंस मिली है इस वाले अटेम्प्ट में तो मुझे लगता है वो बात है ही है। और मेरी स्ट्रेटेजी वगैरह आप सब देख ही चुके हैं पहले से हिंदी मीडियम का नाम हमें ऊपर लेके जाना है।